आज है 17 अगस्त 2021, और 17 अगस्त 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेबतुल्ला अली जाई। अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख हेबतुल्ला अली जाई बने हैं। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयशा मलिक। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक बनी है। पाकिस्तान के बारे में जानकारी, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्लवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी का जन्म नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 136। केंद्र सरकार द्वारा दी गई आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में देश में अरबपति की संख्या में कमी आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार आयकर रिटर्न में घोषणा आय के आधार पर भारत में अरबपतियों की संख्या 2019-20 में 141 से घटकर 2020-21 में 136 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अखिलेश मिश्रा। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक अखिलेश मिश्रा ने लिखी है और इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। टॉप बुक शेड्यूल के ऑथर हाउ इंडिया वोट एंड व्हाट इट मीन्स पुस्तक को प्रदीप गुप्ता ने लिखा है। द बेंच पुस्तक को मेगन मार्कल ने लिखा है। एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक को कलिक कोचलिन ने लिखा है। अनादर डजन स्टोरी पुस्तक को सत्यजीत रे ने लिखा है। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक को दीप हाल्डर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोनचिरिया ब्रांड और लोगों को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोनचिरिया नामक एक ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है। इसे शहरी सहायक स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए लॉन्च किया गया है। यह ब्रांड लोगो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने के बाद मदद करने के सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अनुरूप लॉन्च करेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहर गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसर से लैस करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। IBSA इसका फुल फॉर्म इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका।
भारत ने वर्चुअली प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक ने सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया और पर्यटन क्षेत्र में COVID-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम। केरल पुलिस ने इस ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को खोला है। केरल पुलिस के राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है। ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है, केरल पुलिस ने इस संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है और यह अपनी तरह का पहला संस्था है। भारत का पहला करंट अफेयर्स रिवीजन शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। पूरी शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन केरल में हुआ है। 1 करोड़ फास्टिंग जारी करने वाला देश का पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। उनके नाम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन और लेक्टेटिन। 15 अगस्त 2021 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद हुआ था और 15 अगस्त 2021 को भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2060। कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ हो जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता उसे ऑफसेट करना है। किसी देश के लिए इसका मतलब कोयले के बजाय सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव करना है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली परियोजनाओं जैसे पुनर्वनरोपण में निवेश करना है। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मेकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यगत्सी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है, ये 14 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 अगस्त। राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस तरह के दिवस की घोषणा से देशवासियों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद आएगी। अगस्त महीने में कुछ इंपोर्टेंट डे हैं फ्रेंड्स, जिनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिन मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को
बेनिंगटन युद्ध दिवस मनाया जाता है? 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 31 अगस्त को मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रेंडमली सिलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारे चैनल की तरफ से शानदार गिफ्ट। तो फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल गूगल सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोजाना आपके मोबाइल पर मिल जाएगी।